नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है पास्ट इनडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट टू, जिसमें हम सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सीख रहे हैं। देखिए, एक ऐसा मोटा नियम है जो अंग्रेजी पर थ्रू आउट लागू होता है और वो ये कि जब भी हमें वाक्यों को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना होता है तो हम उस वाक्य में आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया को ढूंढने के बाद उसमें हम नॉट लगाते हैं और वाक्य निगेटिव बन जाता है। पर दो टेंसेस ऐसे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट और पास्ट इनडेफिनेट, जिसमें अफर्मेटिव में प्रायः सहायक क्रिया होती ही नहीं है। अब जब सहायक क्रिया होती ही नहीं है तो हमें वाक्य को निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए बाहर से एक वर्ब को इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी एक वर्ब आयात करनी पड़ती है और उसके अंदर हम नॉट लगा करके या उस वर्ब को वाक्य में आगे ले जा करके निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो यही कुछ हमें करना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस में भी, क्योंकि यहां पर भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट, यानी सेंटेंस को पूरा करने वाला पार्ट। बात है वर्ब के सेकंड फॉर्म की, जो कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसमें हम नॉट नहीं लगा सकते। अगर हमारा वाक्य है आई रोट अ लेटर और हमें इसे निगेटिव बनाना है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम कह दें आई रोट नॉट अ लेटर, यानी रोट में हम सीधे नॉट नहीं लगा सकते, तो हमें आवाज देनी पड़ती है, कोई है जो हमारी सहायता करेगा, हमें हमारे वाक्य को निगेटिव बनाना है। तब एक ही वर्ब है जो सहायता करने के लिए आती है, जो सर्व सहायक है या जिसे हम कहते सबका खिदमतगार है, सबकी मदद करने के लिए आगे आती है, और वो वर्ब है डू। पर डू जैसे ही यहां आता है हम उसमें सीधे नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले डू देखता है कि वाक्य में जो मेन वर्ब बैठी है वो सेकंड फॉर्म में बैठी है, तो ये क्या करती है, जब आ ही गई तो ये बेचारी सेकंड फॉर्म भी खुद ही बन जाती है, यानी डू का बन जाता है डिड। तो पास्ट टेंस में जब हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम सहायक क्रिया जिसे बाहर से लाएंगे वो है डू। डिड नाम की कोई सहायक क्रिया अलग से होती नहीं है, बस डू ही है जिसका सेकंड फॉर्म डिड है। कभी हम गिनते हैं क्या गो अलग है वेंट अलग है, नहीं, गो क्रिया का सेकंड फॉर्म है वेंट, ऐसे ही डू क्रिया का सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म है डिड। तो डिड बन करके ये आ जाती है, नॉट का बोझा भी उठा लेती है और वाक्य को निगेटिव बनाने में हमारी मदद करके सहायक क्रिया नाम सार्थक कर देती है। सहायक क्रिया जो है सहायता करने के लिए, प्रश्न बनाना है तो डिड आगे आ जाती है वाक्य में और हमारा काम आसान कर देती है। उदाहरण से हम समझ लें तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। वाक्य है आई रोट अ लेटर, रोट की जगह वर्ब का कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ सकता है, जैसे कि आई सेंट अ लेटर, आई रिसीव्ड अ लेटर, आई टाइप्ड अ लेटर, कुछ भी हो। आपको कुछ नहीं करना है, बाहर से एक वर्ब लानी है डू जो बन जाएगी डिड, उसमें नॉट लगाना है। वाक्य था आई रोट अ लेटर, निगेटिव बना आई डिड नॉट राइट अ लेटर। यहां मजेदार बात यह है कि चूंकि डू डिड बन गया, यानी कि सेकंड फॉर्म की भूमिका डू ने प्ले कर दी, इसलिए अब हमारी मेन वर्ब राहत की सांस ले सकती है और अपने बेस फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में लौट सकती है, इसलिए रोट का वापस से हो जाएगा राइट। इसी तरह से हम और देखें, और देखने के पहले इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। जैसे था आई डिड नॉट राइट अ लेटर इन निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनेगा डिड आई राइट अ लेटर, यानी नियम वही है, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, डिड आगे आ गया और वाक्य का जो मेन वर्ब था वो बन गया फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में हो गया रोट का राइट और वाक्य का इंट्रोगेटिव बना डिड आई राइट अ लेटर। इसी तरह से अगर कोई और भी वर्ब होती, जैसे कि आई टाइप्ड अ लेटर, आई टाइप्ड अ लेटर का निगेटिव बनेगा आई डिड नॉट टाइप अ लेटर
और इंटरोगेटिव बनेगा डिड आई टाइप अ लेटर। यहां पर गौरतलब एक चीज है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दिस दैट दे, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ डिड ही आएगा। यानी कि यहां झंझट नहीं याद रखने की, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में था कि कब डू लगाएंगे कब डज लगाएंगे, यहां इस प्रकार की कोई झंझट नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है इनवेरिएबली सबके साथ, इसी तरह से यहां भी हमें डिड नॉट लगाना है और नेगेटिव बनाना है और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, चाहे वो इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये चीज हम हमेशा याद रखें कि पर्सन और नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर पर्सन हर नंबर के साथ हमें डिड नॉट लगाना है नेगेटिव में और डिड लगाना है इंटरोगेटिव में। एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं, शी केम टू इंडिया इन 1964, वो भारत 1964 में आई, नेगेटिव बनाना है। हम देखें वर्ब कौन सी है, वर्ब है यहां पर केम, और केम का फर्स्ट फॉर्म है कम, तो जैसे ही हम डिड नॉट लगाएंगे वर्ब हमारे फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी और वाक्य बनेगा शी डिड नॉट कम टू इंडिया इन 1964। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड को आगे ले आएंगे, डिड शी कम टू इंडिया इन 1964 और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं ताकि बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। ही डिसलाइक्ड योर ड्रेस यस्टरडे, उसे तुम्हारी ड्रेस कल पसंद नहीं आई, हमें बनाना है इसका नेगेटिव। अब डिसलाइक देख करके आप ये मत सोचिएगा कि वाक्य ऑलरेडी नेगेटिव है, उसे ड्रेस पसंद नहीं आई, उसे ड्रेस ना पसंद थी, इनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो हम ये समझे कि यहां पर वाक्य अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें वर्ब यूज हुई है डिसलाइक, नॉट लगा करके हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, और अगेन डिड के बगैर तो नॉट लगा ही नहीं सकते, तो वाक्य बनेगा ही डिड नॉट डिसलाइक योर ड्रेस यस्टरडे। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड को ले आइए आगे, वाक्य बनेगा डिड ही डिसलाइक योर ड्रेस यस्टरडे। और इस तरह से हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया पास्ट इंडेफिनेट में। एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और पक्का हो जाए। कई बार प्लास्टर करने के बाद में भी हमें तरी करनी पड़ती है सीमेंट पर, तो जाकर के वो चीज पुख्ता और पक्की हो जाती है। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, यू डिसाइडेड टू ईट एप्पल्स, तुमने सेब खाना तय किया है, तुमने सेब फल खाना तय किया, तुमने निर्धारित किया, तुमने तय किया। अब हमें कहना है कि नहीं किया तय, तो निगेटिव बनाएंगे, डिसाइडेड का फर्स्ट फॉर्म होगा डिसाइड, और इस तरह से वाक्य बनेगा यू डिड नॉट डिसाइड टू ईट एप्पल्स। इंटरोगेटिव बनेगा डिड यू डिसाइड टू ईट एप्पल्स, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो हम एक चीज समझ गए और अच्छी तरह समझ गए कि जब भी हमें पास्ट इनडेफिनेट के सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो, हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड में नॉट लगाएंगे, हमारी मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में वापस लेकर आएंगे और हमारा सेंटेंस निगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है तो डिड को वाक्य के शुरू में रखेंगे और उसके बाद मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे और सेंटेंस तैयार, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इतना ही याद रखना है, डिड का इस्तेमाल होता है। और गहराई से सोचने पर हमें ये चीज भी समझ में आएगी कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें डिड नाम की क्रिया सीधे नहीं आई, ये डू थी जो यहां आकर के डिड बन जाती है, और यही वजह है कि हमारा जो मेन वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, हमारा मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है और वो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। बस इतना हमें याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।
आगे भी ये प्रोग्राम देखते रहें और आप देखेंगे कि आने वाले वीडियोस में हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस को कवर करेंगे। तो होती मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।